नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 22 जून के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1555 को सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को अपने वारिस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1844 को येल विश्वविद्यालय में डेल्टा कप्पा एप्सिलन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1870 को अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिकी न्याय विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1897 को पुणे में चापेकर बंधुओं ने जिलाधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1906 को स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1944 को अमेरिका ने सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए कानून बनाया था। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1946 को इंग्लैंड और भारत के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ था। दोस्तों, आज दिन 22 जून 1948 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत के सम्राट का खिताब त्यागा था। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 1957 को सोवियत रूस ने पहली बार R-12 मिसाइल का प्रक्षेपण किया था। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 1984 को लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से वर्जिन अटलांटिक एयरवेज ने पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों, आज दिन 22 जून 2002 को ईरान में आए भीषण भूकंप से 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, आज दिन 22 जून 2006 को अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 2008 को सैयद फकीर हुसैन को बाल श्रम की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 2008 को उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने तेल की कीमत बढ़ाकर $137 प्रति बैरल कर दी थी। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 1932 को भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज के दिन 22 जून 2005 को पूरा इराक विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया था। दोस्तों, आज के 22 जून 2007 को सुनीता विलियम अपनी टीम के साथ धरती पर वापस लौटी थी। दोस्तों, आज के 22 जून 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। दोस्तों, आज के 22 जून 2015 को अफगानिस्तान की नेशनल असेंबली की इमारत में आत्मघाती हमला हुआ था और सभी हमलावर मारे गए थे। दोस्तों, आज दिन 22 जून 2016 को इसरो ने अंतरिक्ष में 20 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।